एक लड़की की करवा दी थी शादी, लेकिन हनीमून के रात खुद ही पहुंच गया उसके ससुराल। उसे देख सब हो गए हैरान, पर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी ना कर पाए। पंचकुला हरियाणा बलात्कार मामले में 20 साल की सजा पा रहा गुरमीत राम रहीम को सीबीआई विशेष न्यायालय ने और एक झटका दे दिया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में भी गुरमीत को उम्र कैद की सजा दी गई है। इससे पहले राम रहीम के लड़के ने जसप्रीत का मेहुना करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र गौर ने एक आश्चर्य करने वाला खुलासा किया है। राम रहीम को देखकर सब हो गए हैरान, लेकिन उसे देख किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यह लड़की कोई दूसरी तीसरी नहीं थी, बल्कि हनीप्रीत ही थी। उसी के साथ संबंध में रहने वाले मामले काफी आ चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र ने बताया कि हनीप्रीत और राम रहीम की वहाँ से ही जान पहचान काफी नजदीकी से हो गई थी। दोनों के बीच काफी बेहद संबंध नजदीकी थे और इनकी काफी चर्चाएं होने लगी थी। उसी कारण राम रहीम ने 2009 में एक कार्यक्रम में आयोजित किया था, तो उसने कहा कि राम रहीम ने कहा कि हनीप्रीत को गोद लिया हूँ, ऐसे बोल राम रहीम ने किए थे। इसके बाद विश्वास के साथ चुपके से हनीप्रीत की शादी करवा दी थी, लेकिन हनीप्रीत के पति के साथ राम रहीम ने हनीमून मनाने नहीं दिया और खुद वहां मौजूद होकर हनीप्रीत को अपने आश्रम डेरा में ले गया था। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।